बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि बताई थी, अब है ये यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यदि ई या ई, इसमें क्या है, यदि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर, असमान का मतलब कोई भी अलग स्वर, जैसे सेम ये ना होकर के ये हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर इस ई को कोई असमान स्वर आ जाए तो इस ई को या हो जाता है। तो जैसे इसका एग्जांपल हो गया यहाँ इति प्लस आदि, तो यहाँ ई, यहाँ पर इति, इति में क्या है लास्ट में अंतिम स्वर ई है, यहाँ ई है और इसका आदि का आ है, तो इस ई को यहाँ पर या हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन जाएगा इत्यादि, इस प्रकार से ये इत्यादि हो गया। और इसी का मैं इसी के बारे में बता रही थी कि यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या हो जाता है। इसी प्रकार जब ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान अलग स्वर, असमान मतलब अलग स्वर आए तो ऊ या ऊ, इसी प्रकार यहाँ रहेगा, मान लीजिए ये है ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो यहाँ पर इस ऊ को, चाहे छोटा ऊ हो या दीर्घकार हो, इस ऊ को क्या हो जाएगा, ऊ को आ सॉरी वा हो जाता है अगर इसके बाद कोई भी असमान स्वर, तो फिर यहाँ पर भी मान लीजिए ये है, तो इसका एग्जांपल हो गया मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। अब मधु प्लस अरि में आप लोग देखिए, आप लोग अपनी पुस्तक में देखे हैं, एग्जांपल है मधु प्लस अरि है तो हो गया मध्वरि। मध्वरि कैसे हुआ कि वहाँ वहाँ अरि है और यहाँ मधु है, मधु का अंतिम स्वर मान लीजिए ये मैं लिख देती हूँ, देखिए मधु प्लस अरि, अब यहाँ पर है मधु, मधु में उ है और यहाँ पर है आ, अलग स्वर हो गया तो यहाँ इस उ को वा हो जाता है, तो इस उ को जब ये वा बन जाएगा तो ये हो जाएगा मध्वरि, ये बन गया मध्वरि, ये हो गया। इसी प्रकार और भी है इसमें, जब री के बाद कोई अलग स्वर आए, कोई भी अलग स्वर, तो री के स्थान पर रा हो जाता है, और लिरी के बाद कोई अलग स्वर आए तो यहाँ पर लिरी के स्थान पर ला हो जाता है। अब यहाँ री का और लिरी का, लिरी री और लिरी का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मातृ प्लस उपदेशा, मातृ प्लस उपदेशा में क्या है, मातृ मातृपदेशा, मातृ मातृ प्लस उपदेशा, अब रिकार है, री है पहले और री के बाद आएगा उपदेशा, उपदेशा का उ आ जाता है अलग।